आज मैं आपको कुछ बेसिक ऑप्शंस बताने लगा हूँ जो कि आपके जानना ज़रूरी है, और ये हमारा फाइनल लेक्चर होगा डीवी के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डीवी का बेसिक्स ओवरव्यू देखा था, और हमने देखा था कि इस तरह से उसको डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, एपीआई की के साथ उसको रजिस्टर करना है, और आफ्टर दैट किस तरह से हमने उसकी बेसिक सी लाइब्रेरीज देखी थी, किस तरह से प्री मेड टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ बेसिक ऑप्शंस बताने लगा हूँ जो कि आपके जानना ज़रूरी है, और ये हमारा फाइनल लेक्चर होगा डीवी के अबाउट। बाकी सारे ऑप्शन सेम वही हैं, मैं आपको बेसिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ और मज़ीद रिसोर्सेज मैं साथ अटैच कर दूँगा जहाँ से जाके आप मज़ीद डीवी के अबाउट जान सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शन है डीवी, और इसके नीचे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, थीम ऑप्शंस, थीम बिल्डर, थीम कस्टमाइजर, रोल एडिटर, डीवी लाइब्रेरी। तो हमारे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आज का काम होने वाला है वो डीवी ऑप्शंस और थीम बिल्डर्स, और मैं कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे थीम ऑप्शंस पे। यहाँ पे हमारे पास थीम ऑप्शंस है, बेसिकली अगर आपने लोगो लगाना है आप यहाँ से लोगो लगा सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं जो कि बेसिक से सेटिंग्स हैं। आपको अपने जो प्रोफाइल यू आर एल्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन है, उसके बाद बिल्डर है हमारे पास, इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। लेआउट है, एड्स लगाने हैं आपको अपने वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे आप उनके स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट पे एड्स लग जाएंगे। उसके बाद SEO है हमारे पास, यहाँ से आप SEO की तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं। इंटीग्रेशन है, आपने और कोड डालना है, हेडर कोड डालना है, किसी कोई चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है, तो वो सारे कोड्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अपडेट्स है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है डीवी थीम बिल्डर। अब देखें, थीम बिल्डर का काम ये होता है कि आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं थीम बिल्डर को यूज़ करते हुए। बाज़ूकात हमारा जो डिफरेंट थीम्स हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं उनको जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास हेडर या फुटर जो है वो कस्टम उस थीम की तरफ से आ रहे होते हैं, और बीच की चीज़ें हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जबकि जब थीम बिल्डर को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हम कस्टम जो है हेडर भी बना सकते हैं, फुटर भी बना सकते हैं, मतलब पूरे पेज पे जो हिस्सा टच करना चाहें आप टच करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे देखें, मैं अगर आपको ये वेबसाइट दिखाऊँ, यहाँ पे देखें हमारे पास ये हमने थीम इंस्टॉल किया था तो ये बाय डिफॉल्ट आया हमारे पास, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हम ऐड करेंगे इसके अंदर, मेन्यू ऐड करेंगे वो इसके अंदर ऐड होते जाएंगे, राइट। तो थीम जो है अब ये तो बाय डिफॉल्ट नेविगेशन आया है थीम की तरफ से। अब मैं चाहता हूँ कि ये नेविगेशन ना आए, जो मैं चाहूँ जिस तरह का नेविगेशन मैं बनाना चाहूँ वो यहाँ पे आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल थीम बिल्डर के अंदर आऊँगा और यहाँ पे देखें ऐड अ ग्लोबल हेडर, सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। ग्लोबल हेडर अगर आप चाहें तो स्क्रैच से खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप जो है लाइब्रेरी से चूज़ कर सकते हैं। मैं लाइब्रेरी से चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मुझे कुछ हेडर्स मिलने चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, अच्छा यहाँ पे मुझे हेडर नहीं मिल रहे तो मैं क्या करता हूँ, खुद डिज़ाइन करता है, राइट। तो मैंने सिंपल इसको बिल्डर को लोड किया तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल ब्लैक हमारे पास खाली कैनवास आ गया, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक ये ऑलरेडी जो सेक्शन है एडिट है। अब मैं चाहता हूँ राइट साइड पे मेरे नेविगेशन है और लेफ्ट साइड के ऊपर क्या आ जाए, एक लोगो आ जाए। तो मैं सिंपल इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इस वाले सेक्शन को। ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से इमेज, कहाँ गया इमेज का वो। ओके, ये मैंने चूज़ कर लिया, इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, जो लोगो है हमारा वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम। तो अभी के लिए मैं यहाँ से कोई भी लोगो ले लेता हूँ, यहाँ पे आई होप कोई लोगो पड़ा होना चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ पे ये लोगो उठा लेता हूँ। ओके, तो ये देखें ये लोगो लग चुका है, ठीक है। अब राइट साइड पे मैं चाहता हूँ मेन्यू आए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ये मेन्यू आ गया। ओके, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा मेन्यू, मेन मेन्यू यहाँ पे देखें ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं इस तरह से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, जो कि बड़ी मज़े की बात है, इस तरह से भी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, मतलब आप विजुअली सारी चीज़ें एडिट कर पा रहे हैं।
ठीक है। अब मुझे इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना है, तो मैं इसको एडिट करूंगा, इसके डिज़ाइन के अंदर जाऊंगा, साइजिंग के अंदर जाऊंगा, तो इसकी विड्थ है वो मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा जितनी भी मुझे चाहिए। लेट्स से मैंने ये एडजस्ट कर ली। अब इसकी मुझे थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है, इसकी साइज मुझे बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे साइजिंग आ गया और सॉरी लोगो की आई गेस यहाँ पे आया, मैं इस मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया साइजिंग, हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए और आई डोंट नो ये वाई क्यों नहीं कर रहा इसको, तो मतलब इसको आप सेट कर सकते हैं इस तरह से, राइट। और इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे एक मेन्यू बना लिया सिंपल सा, जो भी मुझे लगा। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ इसके बाद एक और बटन रजिस्टर्स का ऑप्शन भी आए, तो मैं यहाँ पे दो रोज हैं, मैं इनको तीन कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। अब हमारा जो सेक्शन है कुछ इस तरह से शो हो रहा है, इसको मैं खींच के थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि ये इस तरह से शो हो, और यहाँ पे मेरे पास एक बटन आ जाए, जैसे मैं ये बटन डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर नाउ। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं कर रहा क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, मैं आपको बेसिक से एलिमेंट समझा रहा हूँ। डिजाइनिंग हम एलिमेंटर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर कर चुके हैं, वही कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप इन टूल्स को यूज़ करेंगे और सिंपल डिज़ाइन करेंगे। जस्ट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे ये सेटअप कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको सेव कर दूंगा। ओके, जैसे ये यहाँ पे सेव हो जाएगा और मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। सेव करने के बाद हमारा ग्लोबल हेडर बन गया और मैं क्लिक कर दूंगा सेव चेंजेस पे। अब जब मैं अपनी वेबसाइट देखूंगा यहाँ से फ्रंट एंड से, तो मेरा जो मैंने बनाया है जो हेडर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए उसी तरह से हेडर हमारा सेटअप हुआ है। तो इस तरह से आप हेडर, फूटर और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ से, फूटर और बॉडी बनाना चाहें वो बना सकते हैं आप। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप किसी भी तरह की का डिज़ाइन कर सकते हैं इस थीम बिल्डर को यूज़ करते हुए, राइट। उसके बाद अगर अब मैं आ जाता हूँ थोड़े से फ्रंट एंड वाले ऑप्शंस के ऊपर, तो ये मेन ऑप्शंस थे जो मैंने आपको बेसिक से बता दिए। अब मैं फ्रंट एंड पे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया हमारे पास जो ब्लू है वो सेक्शन है, जो ग्रीन है वो रो है, और जो हमारे पास ब्लैक है उसको हम एलिमेंट कह सकते हैं, राइट। अब इसकी जो भी सेटिंग्स करनी है, आपने सेक्शन की सेटिंग करनी है, मार्जिन पैडिंग या साइजिंग या सारी चीज़ें कुछ भी करना है, तो आप सिंपल इसको इस तरह से एडिट कर सकते हो और आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने सिंपल यहाँ से करना है। अब लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि ये वाला जो डिज़ाइन मैंने किया है ये डेस्कटॉप पे तो अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन मोबाइल के ऊपर किस तरह से नजर आएगा। तो लेट्स से मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेटअप। ओके, अब मैंने यहाँ पे इसके डिज़ाइन पे आ जाता हूँ और साइज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है। अभी करंटली जो मैं इसका साइज सेटअप कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ डेस्कटॉप के लिए, राइट। लेट्स से अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो फिर अब जो भी सेटिंग्स मैं यहाँ पे करूँगा, लेट्स से मैं फ़ोन के लिए करता हूँ, तो ये फ़ोन पे आ जाएगा। अब मैं इसको अगर सेट करूँगा कि यार फ़ोन पे ये इस तरह से नज़र आना चाहिए, लेट्स से इस तरह से, ठीक है। तो अब डेस्कटॉप पे जो हमने सेटिंग्स की थी वो तो डेस्कटॉप वाली ही रहेंगी, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फ़ोन वाली की हैं, जब वेबसाइट फ़ोन पे ओपन होगी तो ये वाली सेटिंग्स शो हो जाएंगी। तो इस तरह से आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए, और मोबाइल के लिए अलग से ऑप्शन सेटअप कर सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए अलग से ऑप्शन सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप इस तरह से कर सकते हैं, ये मैंने आपको बेसिक सा आइडिया दे दिया। मज़ीद आपने अगर इसके बारे में सीखना है तो आप डीवी के ऊपर आएँ, बिल्कुल नीचे बॉटम के अंदर जाएँ और यहाँ पे आप चले जाएँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। आप जो भी प्रोडक्ट डीवी का यूज़ कर रहे हैं, चाहे एक्स्ट्रा ब्लू में आपको नहीं पता चल रहा किस तरह से इसको यूज़ करना है, लेट्स से मैं डीवी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें हमारे पास हर चीज़ के डीवी मॉड्यूल्स के अबाउट आपने ट्यूटोरियल्स देखने हैं, उसके बाद बेसिक्स देखने हैं, उसके अलावा आपने और यहाँ पे काफ़ी सारे कलेक्शन है लाइब्रेरी के अबाउट, कस्टमाइजेशन के अबाउट, बाकी फीचर्स के अबाउट, सारे चीज़ें यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मौजूद है, राइट। तो यहाँ से आप आके कोई भी आपको कन्फ्यूजन आ रही है वेबसाइट बनाते हुए, इशू आ रहा है, तो इन शॉर्ट इस थीम के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा और डीवी के बारे में जितना कुछ मैं बता सकता था मैंने बताया आप लोगों को। मजीद आप लोगों पर डिपेंड करता है आप इसके ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं और कितना इसको लर्न करते हैं, कितना टाइम देके इसको इसके फीचर्स को देखते हैं, इसके ऑप्शंस को देखते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तभी आपको इन सारे ऑप्शंस की समझ आएगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि लाजमी इसके ऊपर टाइम लगाना है डीवी यूज़ करते हुए। अगर आप डीवी आपने परचेज नहीं किया तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्काउंटेड लिंक, वहां से जाके आप डीवी परचेज कर सकते हैं। अगर मजीद आपको डीवी नहीं परचेज करना है यहां से तो आप मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।